अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। सो जी, आज एक और दिन चढ़ता है और हम लेट हो गए आज फिर, और उम्मीद है कि आज हम अपने बॉस से डांट नहीं खाएंगे, पर इंशाल्लाह आज का दिन सबके लिए अच्छा हो और आप सब भी हमें दुआ में अपनी याद रखें। और इसी के साथ आज मैं अपना ब्लॉग अभी स्टार्ट कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आज का व्लॉग भी कुछ थोड़ा बहुत शायद ख़ास होगा, क्योंकि अभी मैं अपनी जॉब भी स्टार्ट करने लगा हूँ। वैसे बाय द वे, जिसको नहीं पता मैं बता दूँ कि बाय प्रोफेशन आई एम वर्डप्रेस डिज़ाइनर, और मैं वर्डप्रेस पर वेबसाइट्स वगैरह डिज़ाइन करता हूँ। और इसके अलावा अपनी बस फैमिली को टाइम देना होता है और जॉब होती है, इसके अलावा रिमोट जॉब करता हूँ तो ज़्यादातर मैं घर पर ही होता हूँ ऑनलाइन, और मेरी जॉब घर से ही होती है सारी। अब ये है कि हम अपनी जॉब स्टार्ट करते हैं और कुछ देर के बाद फिर आपसे मिला भी जाएगा और आपको बताया जाएगा कि किस तरह से हम जॉब करते हैं और क्या हमारी टाइमिंग होती है जॉब की। वैसे तो तकरीबन 7 से 8 घंटे हमें देने ही होते हैं जॉब के, जो कि तकरीबन डेली रूटीन का होता ही है हमारा। पर यह है कि इस दफ़ा आपको बताएंगे कि किस तरह से टाइम गुजरता है हमारा। बड़ा बोरिंग के साथ टाइम गुजरता है, क्योंकि घर पे जॉब करनी होती है, घर पे फिर साथ साथ काम भी होते हैं घर के हज़ार, तो ये एक बेनिफिट नहीं मिलता हमें घर पे जॉब करने का कि चलो आराम से काम कर लेंगे। लेकिन ये ऑफिस के अंदर आराम से काम होता है, घर के अंदर दूसरे भी काम कर साथ में होते हैं तो फिर सब चीज़ों को देखना पड़ता है। तो ये है कि दिखाते हैं आपको रूटीन आज की, और आज की रूटीन में हमारी मीटिंग्स भी हैं और काम भी है बहुत सारा। तो अब देखते हैं ये कितनी देर लगती है इस काम को कंप्लीट करने में हमारी। फिर उसके बाद आज हमारा इरादा है कि आज हम सैलून भी जाना है। आज थोड़े से हमने अपनी हेयर कटिंग करवानी है, तो देखते हैं। वेलकम बैक टू माई व्लॉग। सो जी, आज का दिन गुजर गया काम करते करते, और अभी मुश्किल से हमारा अभी दिन गुजरा ही था तो आज मेरे कान में तकलीफ़ हो गई है, और अब हमने जाना डॉक्टर के पास। थोड़ी देर में हम निकलेंगे डॉक्टर के पास और फिर आपको बताएंगे कि वहाँ से हम कब तक फ्री होते हैं, क्योंकि आज की रूटीन वैसे तो कुछ और थी। हमारे जाना सैलून था और आज सैलून रह गया हमारा, और अब हम जा रहे हैं फिलहाल डॉक्टर के पास। पहले अपना नाजुक सा कान दिखाएंगे और उसके बाद फिर हम कहीं निकलेंगे अच्छी सी जगह, शायद घूमने फिरने के लिए कहीं ना कहीं आज फिर निकलें हम, और हो सकता है कि ना भी निकलें, क्योंकि जब बेगम साथ होती है तो आपको पता है कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मुमकिन हो सकती हैं चीज़ें। फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू व्लॉग अगेन। सो जी, हमारा दिन आज बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहा और अब हम फारिग हो चुके हैं इस टाइम, अभी हमने जाना है पर डॉक्टर के पास। वैसे तो आज का शेड्यूल आपको पता था, मैं सैलून जाना था, लेकिन सैलून हम नहीं जा पाए ड्यू टू सम वर्क रीज़न। सो अब ये है कि फ़िलहाल हमें डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि मेरे आज कान में थोड़ी तकलीफ़ हो रही है और उसे दिखाने के लिए भी हमने जाना है डॉक्टर के पास। तो अभी बस निकलने वाले हैं हम 9:45 हो रहे हैं इस टाइम, तो देखते हैं कितनी देर में पहुँचते डॉक्टर के। शायद मैं से भी लेट हो चुका हूँ मैं कि डॉक्टर निकल ना जाए, तो ये है कि अब हम निकलने जा रहे हैं डॉक्टर के पास, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। अच्छा जी, अब हम आए यहाँ पे बर्गर लेने के लिए, हम हॉस्पिटल से होकर आ चुके हैं, तो हम यहाँ पे बर्गर लेने के लिए आए हैं अपनी फैमिली के लिए। अभी बर्गर यहाँ से हम ले कर और जाएँगे अभी वापस अपने घर, मिलते हैं थोड़ी देर में फिर वहाँ पर अपने घर पर। फैमिली के लिए आज अंडे वाला बर्गर ले रहे हैं, और बाद में ये शिकारपुर बर्गर बड़ा फेमस है यहाँ पर, लेकिन अपने आप भी आएँ और इन्जॉय करें बर्गर को खाएँ। ये हमारी छोटी सी प्यारी सी बेटी गुंता, और ये हमारे हैं सांडू, और प्लस हमारे बड़े भाई, और हम आए हैं बर्गर लेने के लिए। बर्गर चल रहा भाई, बर्गर बन रहा है। हो रहा
पर हम खाएंगे बिरयानी, हमें बर्गर में इंटरेस्ट नहीं है। तो देखते हैं कितनी देर में बन जाता है, तो फिर यहाँ से बर्गर लें और निकलते हैं घर पर, वहाँ फैमिली के साथ बैठे थोड़ा सा इन्जॉय करेंगे, फिर मिलते हैं आते में थोड़ी सी देर के बाद। अच्छा भाई, तो हम घर आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा देर हो गई घर आते हुए, और आज का व्लॉग भी कुछ खास नहीं बन पाया, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है आप सब सपोर्ट करेंगे मेरे व्लॉगिंग के अंदर मुझे। और अभी इस टाइम इतना थकावट हो चुकी है कि आँखें हमारी नींद से बहुत ज़्यादा भारी हो चुकी हैं, इस टाइम बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। आज सैलून जाना था, जो भी काम नहीं पाए थे, काम में इतने ज़्यादा हम मसरूफ़ हो चुके थे, और बस अब हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं कि बहुत ज़्यादा थकावट, बहुत ज़्यादा नींद में। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में कुछ न्यू चीज़ों के साथ, न्यू कंटेंट के साथ। पर फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।